हेलो फ्रेंड्स, चिनागी दीरा, कैसे हैं आप लोग? फटाफट कहिए, चिनागी देने ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ, मस्ती में हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कनाडा के उन महत्वपूर्ण शब्दों को जानेंगे जिसके आधार पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। बिल्कुल बेसिक शब्द, मैं, तुम, वह, क्या, कौन, किसका, इसका, उसका, सब जानेंगे। बिल्कुल बेसिक वर्ड है फ्रेंड्स। यदि इन शब्दों को हम अच्छी तरह से जान गए तो निश्चित रूप से बड़े बड़े वाक्य भी हम लोग बनाने जान जाएंगे। आज हम लोग ये शब्द को जानेंगे, साथ ही साथ इसका प्रयोग भी जानेंगे। शुरू करें, आइए। जैसे मैं को कहते हैं नानू, नानू, नानू मतलब मैं। तिन्नू खाने के लिए होता है ना, नानू तिन्नू तेने, मैं खाता हूँ। उसी प्रकार हम को कहते हैं नाऊ, नाऊ मतलब हम, नाऊ। तो फ्रेंड्स, यदि हमें कहना है हम दोस्त हैं तो दोस्त को क्या कहते हैं? स्नेहतरु, दोस्त, फ्रेंड्स, नाऊ स्नेहतरु। उसी प्रकार मेरा को कहते हैं नन्ना, नन्ना, नन्ना। जैसे मेरा नाम दीपा है, नन्ना हेसरु दीपा, नन्ना हेसरु, नन्ना हेसरु फ्रेंड, ठीक है, नन्ना हेसरु, नन्ना हेसरु दीपा। तो फ्रेंड्स, यदि आप सीख रहे हैं ना तो फटाफट बताइए आपका नाम क्या है, वैसे ही कमेंट्स करिए। नन्ना हेसरु दीपा, आपका जो नाम है नन्ना हेसरु, ठीक है, नन्ना हेसरु दीपा, मेरा नाम दीपा है। आपका, ठीक है, आपका, आपका कहते हैं फ्रेंड्स निम्मा, निम्मा, निम्मा। तो उसी प्रकार बोलना है आपका नाम क्या है तो फिर क्या बोलेंगे? निम्मा हेसरु एनु, एनु मतलब क्या होता है, ठीक है, एनु, एनु का मतलब क्या होता है, फिर यहाँ हेसरु हो जाएगा, हेसरु, निम्मा हेसरु एनु। फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स निन्ना, तुम्हारा को बोलते हैं निन्ना, निन्ना। यदि हमें कुछ चीज के लिए पूछना है तुम्हारा घर कहाँ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना, एक एक शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करके जानेंगे ना तो उसका अर्थ भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा के लिए निन्ना। घर को क्या कहते हैं? मने, मने, कहाँ के लिए एल्ली, एल्ली, निन्ना मने एल्ली। आपका घर कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है, यदि आपका बोलना रहेगा तो निम्मा, निम्मा मने एल्ली, आपका घर कहाँ है। उसी प्रकार की नाम बोलना है तुम्हारा नाम क्या है तो फिर क्या बोलेंगे? निन्ना, नाम के लिए हेसरु एनु, फिर वहां पर फ्रेंड्स हम लोग निन्ना लगा देंगे, निन्ना नाम के लिए हो जाएगा हेसरु और फिर एनु क्या है, इस तरह से निन्ना हेसरु एनु, तुम्हारा नाम क्या है निम्मा हेसरु एनु, आपका नाम क्या है। घर के लिए पूछना है तो घर को मने कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, हमारा को कहते हैं नम्मा। तो जैसे फ्रेंड्स मैं बताना था ना, अभी हम लोगों ने कहा ना कि ये हमारा घर है या तुम्हारा घर कहाँ है, निम्मा मने मिली, तुम्हारा घर कहाँ है। यदि हमें कहना है हमारा घर यहाँ है, ठीक है, तो बोलेंगे इदू मतलब यह, नम्मा, इदू नम्मा मने मतलब यह हमारा घर है, मतलब नम्मा मतलब हमारा घर के लिए मने, घर के लिए मने रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इदू नम्मा मने, अदू नम्मा मने। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि कन्नड़ा तो मैं भी सीख के सिखा रही हूँ, आप तो समझ ही चुके होंगे, तो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी या फिर थोड़ा बहुत अलग सा आपको लगता होगा। तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स, आप जहाँ रहते हैं प्रोनाउंसिएशन हर जगह जगह का अलग हो जाता है, तो आप जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ के लोग किस तरह की बातें करते हैं, उनका बोलने का फ्लो कैसा है, एक बार उसको जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद ही उस तरह से बोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा हो गया फ्रेंड्स, हमारा को कहते हैं नम्मा, नम्मा मतलब इदू नम्मा मने मतलब यह हमारा घर है, अदू नम्मा मने वह हमारा घर है। अब तुम को देखते हैं फ्रेंड्स, तुम को कहते हैं नीनू, नीनू। तो फ्रेंड्स यदि हमें बोलना है तुम खाते हो, यदि बोलना है तुम खाते हो तो फिर बोलेंगे निन्नू तीनू, या तुम खाती हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तुम खाते हो या तुम खाती हो, निन्नू तीनू, तीनू खाने के लिए था ना। जैसे अपने लिए क्या था, मैं खाता हूं, तो फिर क्या था इसमें, याद है, नानू तिन्नू तेने, नानू तिन्नू तेने, मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, नीनू तिन्नू, तुम खाते हो या तुम खाती हो, निन्नू तिन्नू,
उसी प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स, आप कहते हैं नीवू। नीवू मतलब आप। यदि हमें बोलना है आप खाते हैं तो फिर वहां बोलेंगे नीवू तिन्नू तिरी, तिन्नू तिरी, नीवू तिन्नू तिरी, आप खाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, वह को बोलते हैं, लड़का रहेगा फ्रेंड्स ही तो उसे कहेंगे आवनू, और लड़की रहेगी तो उसे कहेंगे आवलू। ठीक है, अब इसी को भी खाते से ही देख लेते हैं फ्रेंड्स तो क्लियर हो जाएगा। अपने लिए क्या था, तिन्नु तेने, अपने लिए था तिन्नु तेने। ठीक है ना, और तुम खाते हो तिन्नु, नीनु तिन्नु, आप खाते हैं तिन्नु तिरी, और रहेगा यदि लड़की के लिए वह खाती है, वह खाती है तो फिर हो जाएगा फ्रेंड्स तिन्नी ताले, तिन्नी ताले, वह खाती है। यदि लड़का रहेगा तो हो जाएगा तिन्नी ताने, तिन्नी ताने, लड़का के लिए। तो फ्रेंड्स यहां भी ना है तो तिन्नी ताने हो जाएगा, आउलू में ला है तो तिन्नी ताले, सेकेंड ला है ना फ्रेंड्स, तिन्नी ताले हो जाएगा, मतलब वह खाती है, वह खाता है। उसी प्रकार यह को कहते हैं फ्रेंड्स इदु, जो चीज पास में है उसे कहेंगे इदु। जैसे हमें बोलना है फ्रेंड्स इदु पेन, यह पेन। ठीक है, उसी प्रकार से अदु, वह के लिए अदु, अदु पेन, वह पेन। इदु पुस्तका मतलब यह पुस्तक, अदु पुस्तका वह पुस्तक। ठीक है, ये को कहते हैं फ्रेंड्स इवरु या आवरु, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है ना, आवरु रेस्पेक्ट के लिए है ना, आवरु यदि बोलना है फ्रेंड्स, वो खाते हैं। ठीक है ना, ये खाते हैं किसी के लिए तो फिर क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, अवरु या इवरु तिन्नु तारे, फिर वहां बोलेंगे तिन्नु तारे, अवरु तिन्नु तारे। तो फ्रेंड्स अभी जैसे हम लोगों ने देखा लड़की के लिए था तिन्नु ताले, लड़की के लिए तिन्नु ताले था, लड़का के लिए था तिन्नु ताने, लड़का के लिए था तिन्नु ताने, उसी को रिस्पेक्ट में तिन्नु तारे, इस तरह से। अब देखते हैं फ्रेंड्स उसका, यदि हम बोलना है यह उसकी कार है, यह उसका पेन है, यह उसका मोबाइल है। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे, उसका को कहेंगे फ्रेंड्स अवन, लड़का है तो लड़के के लिए अवन। ठीक है, अवन लड़का के लिए, यदि मान लीजिए किसी का कार है फ्रेंड्स, तो यदि बोलना है ना यह उसकी कार है तो क्या बोलेंगे, अवन कार, अवन पेन, इस तरह से। ठीक है, यदि लड़की रहेगी तो उसे बोलेंगे अवल, फिर बोलेंगे अवल। यदि बोलना है यह उसकी पेन है, ठीक है लड़की है, तो क्या बोलेंगे, यह के लिए भी क्या देखना होगा, इदु अवल पेन, इदु अवल पुस्तका, इदु अवल कार, यदि लड़की कार तो इदु मतलब यह, अवल मतलब लड़की के लिए उसका, ठीक है उसके लिए, और कार है तो कार, जो भी सामान रहेगा। इदु अवल मोबाइल मतलब यह उसकी मोबाइल है, या फिर जो भी रहेगा, लड़का रहेगा तो अवन, लड़की रहेगी तो अवल। ठीक है, उसी प्रकार से यदि उनका बोलना है फ्रेंड्स रिस्पेक्ट उनका, तो उसको बोलेंगे अवर। यदि बोलना है यह उनका घर है, यह उनका घर है, तो क्या बोलेंगे, यह के लिए इदु हो गया, अवर घर के लिए मने, अभी हम लोगों ने जाना है इदु अवर मने, इदु अवर मने। यदि बोलना है वह उनका घर है, अदु अवर मने, इस तरह से। चलिए अब बोलना है फ्रेंड्स उनको, यदि हमें बोलना है उनको तो बोलेंगे अवरिगे, अवरिगे, अवरिगे मतलब होता है उनको। जैसे बोलना है फ्रेंड्स उनको कहो, अवरिगे हेलु, कहने के लिए होता है फ्रेंड्स हेलु, हेलु, हेलु मतलब कहो, अवरिगे हेलु मतलब उनको कहो। ठीक है, उसी प्रकार से बोलना है फ्रेंड्स क्या, अब तो जान गए हम लोग, अब देखते हैं हम बोलना है फ्रेंड्स कि क्या, क्या को कहते हैं एनु, क्या एनु, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फ्रेंड्स, एनु, एनु, एनु मतलब होता है क्या। ठीक है ना, जैसे अभी लोगों ने एनु का प्रयोग कहां में जाना था, तुम्हारा नाम क्या है, याद है, हेसरु एनु, क्या नाम, तो क्या के लिए फ्रेंड्स एनु। यदि किसी से पूछना है फ्रेंड्स क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नाम भी जान लिए, क्या हो रहा है, तो बोलेंगे एनु, तो रहेगा ही रहेगा एन, एना बुद्धिदे, बुद्धिदे, एलम फ्रेंड्स एनु प्लस आगुत्तिदे से बना है, इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, एना गुत्तिदे मतलब क्या हो रहा है, एना गुत्तिदे, एनु प्लस आगुत्तिदे से है, एना गुत्तिदे क्या हो रहा है, कहाँ,
कहां को कहते हैं फ्रेंड्स, एल्ली, एल्ली, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा है आपका घर कहां है, तुम्हारा घर कहां है, घर कहां है, मने एल्ली दे, मने मने घर, एल्ली दे कहां है, मने एल्ली दे घर कहां है, किसका, निम्मा आपका, निम्मा मने एल्ली दे मतलब आपका घर कहाँ है, राधा मने एल्ली दे राधा घर कहाँ है, दीपा मने एल्ली दे दीपा घर कहाँ है, ठीक है। उसी प्रकार कब, कब को बोलते हैं फ्रेंड्स, यावागा, यावागा, यावागा मने कब, यदि हम बोलना है कब आए, किसी के लिए पूछना है कब आए, यावागा बर्तिया, यावागा बर्तिया कब आए। कौन, कौन को कहते हैं फ्रेंड्स, यारू, 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 यदि बोल रहा है हु आर यू, तुम कौन हो, नीनू यारू, फिर यहाँ पर बोलेगा फ्रेंड्स बस केवल नीनू, नीनू यारू तुम कौन हो। उसी प्रकार फ्रेंड्स किसका, किसका को कहते हैं यारुदू, यारू मतलब कौन हुआ ना, यारुदू किसका, यदि बोलना है ये पुस्तक किसकी है, ई पुस्तका यारुदू, ई पेन यारुदू, ई मोबाइल यारुदू, यारुदू किसका, ठीक है ना, यारू मतलब कौन हुआ, यारुदू किसका। अगला देखते हैं फ्रेंड्स कैसे, कैसे को कहते हैं हेगे, हेगे, यदि बोलना है आप कैसे हैं, आप तो क्या बोलेंगे, नीवू, आप हेगे दिरा, हेगे दिरा, डबल दर आएगा फ्रेंड्स, नीवू हेगे दिरा, आप कैसे हैं। यदि बोलना है वे कैसे हैं किसी और के बारे में, तो अवरु, वे के लिए तो अवरु था ना फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट के लिए अवरु हेगे दारे, हेगे दारे, ठीक है, हेगे दारे। यदि पूछना है सीता कैसी है, ठीक है, सीता कैसी है, तो सीता बोलेंगे फिर हेगे दाले, हेगे दाले, सीता हेगे दाले, सीता कैसी है। यदि बोलना है वह कैसी है, तो आवलो हेगे दाले, माने वह कैसी है। उसी प्रकार से यदि लड़का रहे तो हेगे दाने, हेगे दाने, आवलो हेगे दाने, वह कैसा है, ठीक है ना, आवलो हेगे दाने, वह कैसा है, वह कैसी है, आवलो हेगे दाले, रेस्पेक्ट रहेगा तो हेगे दाले, है ना सर। चलिए कितना, कितना कहते हैं फ्रेंड्स, एस्टू, एस्टू, एस्टू मतलब कितना। यदि बोलना है कितना हुआ, एस्ट आयतु, आयतु उसमें लग जाएगा, एस्टू प्लस आयतु, एस्टू प्लस आयतु फ्रेंड्स, ठीक है, इसको बोलेंगे एस्ट आयतु, एस्ट आयतु, एस्ट आयतु मतलब कितना हुआ। जब लोग मार्केट जाते हैं तो फटाफट पूछना है ना कितने हुए, एस्ट आयतु, ठीक है। यदि बोलना है फ्रेंड्स अभी, अभी के लिए होता है फ्रेंड्स ईगा, 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 यदि हमें बोलना है फ्रेंड्स अभी आइए, तो फिर बोलेंगे इगाले, इगाले बन्नी आइए, हम लोगों को तो पहले से पता है ना फ्रेंड्स, बा आओ बन्नी आइए, इगाले बन्नी अभी आइए, इगाले बा अभी आओ। अब हमें बोलना है फ्रेंड्स वहां, अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड सीखेंगे फ्रेंड्स और उसका प्रयोग तो देख ही रहे हैं, तो सब इस वीडियो को कम से कम एक दो बार तो आप देखिए ही, बिल्कुल माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। चलिए अब बोलना है वहां, वहां कहते हैं फ्रेंड्स अल्ली, अल्ली, यदि हमें बोलना है वहां जाओ, वहां जाओ, तो जाओ के लिए क्या था, होगू, होगी था ना, तो अल्ली, अल्लीगे होगू, फिर उसको बोल देंगे अल्लीगे, मतलब वहां होगू जाओ, अल्लीगे होगू वहां जाओ, अल्लीगे होगी वहां जाइए, ठीक है। उसी प्रकार यहां बोलना है फ्रेंड्स, यहां को बोलते हैं इल्ली, 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 यदि बोलना है यहां आओ, इल्ली बा, इल्ली तो रहेगा, इल्ली बा यहां आओ, इल्ली बन्नी यहां आइए, ठीक है। अब को बोलते हैं फ्रेंड्स ईगा, ईगा, अभी जैसे बोले थे ना उसी तरह से अब या अभी ईगा, यदि हमें बोलना है कि अब बोलो, अब बोलो, ईगा हेलु, ईगा हेलु मतलब अब बोलो, इस तरह से। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यदि कहना है कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को कहते हैं फ्रेंड्स निन्ने, निन्ने मतलब बीता हुआ कल। यदि हमें किसी को बताना है कल आया, कल रात आया, कल रात आया, निन्ने रात्रि बंदरू, निन्ने रात्रि बंदरू मतलब
कल रात आए, निन्ने रात्रि बंदरू, कल रात आए। उसी प्रकार आने वाला कल को फ्रेंड्स टुमारो के लिए, तो स्टडी के लिए हो गया, टुमारो को कहते हैं नाले, नाले। यदि किसी को कहना है फ्रेंड्स कल सुबह आइए, यदि किसी को बोलना है कल सुबह आइए, किसी को सुबह बुलाना है तो क्या बोलेंगे, नाले मतलब कल, नाले बेल्लीगे, सुबह के लिए फ्रेंड्स बेल्लीगे, बेल्लीगे नाले बेल्लीगे बन्नी मतलब कल सुबह आइए, नाले बेल्लीगे नाले कल आने वाला कल टुमारो, बेल्लीगे सुबह बन्नी आइए। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, निश्चित रूप से फ्रेंड्स बहुत सारे शब्द हैं लेकिन एक एक शब्द के है ना, तो उन शब्दों को पहले ध्यान रखिए और फिर उसको ना उसके वाक्यों के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करिए कि वो कंपेयर उसमें सेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग वाक्यों में बिठा के किसी शब्द को याद करते हैं ना तो शब्द का मीनिंग भी पता चल जाता है और अच्छी तरह से शब्द याद भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगती है फटाफट कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।